प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन होगी। आम यात्री 20 फरवरी से इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। यह ट्रेन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी। इस ट्रेन से 3 तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर और यूपी के वाराणसी के काशी विश्वनाथ जुड़ेंगे। इसके अलावा यह ट्रेन मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब इंदौर और राजधानी भोपाल को भी जोड़ेगी। यह ट्रेन हर मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 2:45 पर वाराणसी से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:40 पर इंदौर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10:55 पर इंदौर से चलेगी और अगले दिन सुबह 6 वाराणसी पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ से उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर स्टेशनों पर रुकेंगी। वहीं इस ट्रेन को हफ्ते के एक दिन प्रयागराज के रास्ते चलाया जाएगा। ट्रेन हर रविवार को वाराणसी से दोपहर 3:15 पर इंदौर के लिए चलेगी और अगले दिन सुबह 9:40 पर इंदौर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन हर सोमवार को सुबह 10:55 पर इंदौर से चलेगी और अगले दिन सुबह 5 वाराणसी पहुंचेगी। IRCTC द्वारा चलाई जाने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन है। इससे पहले 2 कॉरपोरेट ट्रेन तेजस चल रही है। एक तेजस दिल्ली से लखनऊ और दूसरी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही है। चलिए अब तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस का किराया भी जान लेते हैं। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक वाराणसी से इंदौर के बीच एक यात्री का किराया ₹1,951 लगेगा। काशी महाकाल एक्सप्रेस में भी तेजस की तरह डायनेमिक किराया वसूला जाएगा।